हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी ऋषिकेश टूर की है, जब हम लोग ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग भी समर में राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत यूज़फुल वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि राफ्टिंग के दौरान हमें पता होने चाहिए, तो पहले से पहले पता चल जाए तो हम बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं बिना किसी डर के, रिस्क के। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हमने राफ्टिंग के लिए अपनी बुकिंग करा दी थी और बच्चों के लिए अलाउ नहीं होता है फ्रेंड्स, तो बड़े ही जा सकते हैं और जिनका दिल मजबूत है वही जा सकते हैं, कमज़ोर दिल वाले राफ्टिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें पहले सेफ्टी किट दी गई थी और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। स्वागत इसी घर में, मेरा नाम है सुखराम, मेरे नाम है मेरे गाइड एंड शिवपुरी। ये पैडल राफ्ट है, इसमें हम लोग टीम वर्क के साथ जाएंगे, नहीं बोलेंगे मैं गाइड लेके जा गए, हम खुद अपने आप चले जाएंगे, चाहे एक बार किया, चाहे दो बार किया, चाहे सौ बार किया, ये सेफ्टी है। हम भी ऐसे प्रोफेशनल हैं, हम भी लाइफ जैकेट इसलिए पहनते हैं, पहले सेफ्टी होती है। तो ये आपके पास तीन इक्विपमेंट है, लाइफ जैकेट है, हेलमेट और पैडल, तीनों के अलग अलग खासियत है। ये पैडल आपको रोइंग करने में मदद करें, थ्री भागों में डिवाइडेड, टी ग्रिप है, सॉफ्ट है, ब्लैट है। इसका जो होल्ड करने का तरीका है, टी से टॉप में जस्ट नेक्स्ट प्लेट नियर प्लेट के पास दूसरा हाथ, इस तरह से आपको पैडल पकड़ना है, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या चाहे राइट हैंड हो, ठीक है। ये राफ्ट आपका फ्रंट साइड है, बैक साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, बैक साइड आपको कंट्रोल होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड कितने जाना, आप लोगों ने कुछ इसमें कमांड्स फॉलो करनी है। तो इसमें जो आगे बैठेंगे हमारे दो लीडर, उनका जो बैठने का पोजिशन होगा, एक बार इसमें हो जाएगा और एक बार प्रोसीमर पर जाएगा, इस तरह से हमारा सीट आउट पार्ट होगा, आउटिंग में बैठा दोनों को लेफ्ट साइड, ठीक है। एंड मिडिल में जो बैठेगा स्ट्रॉन्ग, मिडिल स्ट्रॉन्ग, उनका दोनों तरफ टेढ़ी और पंजाब से उड़ जाएंगे। और कहीं भी डिस्पेल से ओवर टर्न ग्राफ्ट हो रही है तो आप लोग जल्दी से गिरेंगे, अगर आप लोगों का ग्रिप कंफर्टेबल बना हुआ है, सही पैर ऐसे मोड नहीं डालना है, पैर ही मोड आ सकता है, ठीक है। तो ये बैठने का तरीका कंप्लीट हो गया, ये पैडल पकड़ने का तरीका कंप्लीट। अब इसमें मैं आपको कमांड दूंगा, तीन चार कमांड दूंगा जो आपको फॉलो करनी है, पैडल फॉरवर्ड, पैडल बैक, पैडल स्टॉप, ठीक है। तो पहली कमांड में पैडल फॉरवर्ड, पैडल फॉरवर्ड में आपको देखना पूरा बॉडी को आगे यूज़ करना है और पानी को यूज़ करना है पीछे की साइड। जब आगे वाले पूरा सीधा एल्बो तक स्ट्रेट लेंगे, बॉडी भी यूज करेंगे, तभी जाके पीछे वाले पैडलर आगे वाले के साथ मिला पाएंगे। अगर आगे वाले स्ट्रेस चला रहे हैं तो आपके सारे पैडल मिस होते जाएंगे, बोट का स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आगे वालों को पूरा रिदम बनाना है और पीछे वालों को मिलाना है उनके साथ, पैडल फॉरवर्ड, सेकंड कमांड का पैडल बैक, ये जो सार वाले साइज को टाइप रखना है और बैक टू फ्रंट अपोजिट फॉरवर्ड चलाना है। थर्ड कमांड का स्टॉप एंड रिलैक्स, इसमें क्या करना है, रिलैक्स हुए बैठ जाना है। फोर्थ कमांड हो गया आपके, कहीं पर लगता है कि हमारी बोट से बंदे गिरने के चांसेस या फ्लिप होने के चांसेस, जिसमें हमारी जो आई साइड कमांड सेफ्टी कमांड होती है, एवरीबॉडी गेट डाउन, गेट डाउन में क्या करना है, गेट इन साइड आ जाना पंजे के बल। ये तीन चार कमांड आपको याद रखना, इनकेस कोई गिर जाता है तो सबसे पहले घबराना नहीं, आपके पास लाइफ जैकेट है, अगर आप डूबना चाहोगे तो आप डूबेंगे नहीं, लाइफ जैकेट आपको ऊपर रखेगा, आप बोट के पास ही गिरेंगे, अपने हैंड को ऐसे ऊपर लीन कर लीजिएगा और इस लाइफ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये राउंड में बंदी है। सपोज ये लाइफ में आपके हाथ में आप लोग 2 मीटर 3 मीटर दूर है तो दूसरा ऑप्शन है हमारा थ्री पैडल पास करेंगे, टी ग्रीप पास कराओ, कोई भी टी पास कराओ, ये हमारा लॉक स्ट्रेशन 2 मीटर की दूर है, ऐसे हम टी से टी रेस्क्यू कर लेंगे, उस पैडल पुश करेंगे, खींचेंगे, फिर पैडल लॉक करेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है अगर इससे भी दूर है 5 से 10 मीटर, हमारे पे रेस्क्यू बैग, हम आपको कॉल करेंगे, आपके पास बैग को थ्रो करेंगे, बैग जैसे आपके पास आएगा आपने इसके माउथ से क्लोज करना है और लाइफ जैकेट के शोल्डर के साथ बैग फ्लोटिंग में लेट जाना है। कई दफ़ा होता है कि इससे भी रेस्क्यू नहीं हो पाया, आपके हाथ में लाइफ हैंड भी नहीं आया, आप लोग बोट से काफ़ी दूर हैं, आपको लास्ट वाली थॉट स्विमिंग पोजिशन पता होना चाहिए, किस तरह से आपको लेटना है, ये लाइफ जैकेट आपको ऊपर रखे डूबने नहीं देगा, आपने जैकेट शोल्डर करना है, बैक फ्लोटिंग में लेट जाना है, डाउन स्ट्रीम में लैग होंगे, अप स्ट्रीम आपका हेड होगा, आप देखते जाएंगे किस साइड जा रहे हैं, अगर रॉक के साइड जा रहे हैं रॉक को पुश कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सबका, हमने लास्ट कंडीशन में किया ना, और जितना आप लोग मजबूत पैडल करोगे, हमारा यहाँ पे टीम वर्क है, ये पैडल राफ्ट है, मेरा कोई करेक्शन है, लेफ्ट राइट मुझे किधर जाना, आप लोग बाकी इंजन का काम आप लोगों ने करना, जितना अच्छे ढंग से पैडलिंग करोगे उतना उतना सेफ भी है और मज़ा भी आएगा। तो किसी को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, सारे फिट हैं, जगरी कुछ ही हो रोड, अगर ब्लू देती है साइड में स्टे भी एक दूसरे की खींच लो, ये जैकेट कंपनी क्योंकि जैकेट कई बार बंदा गिरता है पानी में जाता है, हम जंप कराते हैं और जैकेट बाहर भी हो गया, कुछ दिन पहले केस हो गया, उसकी जैकेट लूज थी, जैकेट बाहर निकल के बंदा नीचे जैकेट ऊपर, तो जैकेट कंफर्टेबल नहीं है।
निखिल टाइट है तुम्हारी जैकेट, इसकी देखना भैया ढीली लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बोट में बैठ गए थे, इससे पहले हमने अपनी लाइट वेट जैकेट पहन ली थी, हेलमेट लगा लिया था और हाथ में पैडल ले लिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राफ्टिंग के लिए। और यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू था, और मैं फर्स्ट टाइम राफ्टिंग कर रही थी तो डर भी बहुत लग रहा था। तो फ्रेंड्स पहले से पहले जब हमें पता होता है तो हमारा डर नहीं रहता हमारे अंदर और हम बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। और बाकी लोग कई बार राफ्टिंग कर चुके हैं जब भी ऋषिकेश आए हैं, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट है इन सब लोगों को और अच्छा भी लगता है, खूब मजे आते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम राफ्टिंग कर रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया और डर भी लग रहा था पानी में उतरते हुए भी। कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत अच्छा ही है, हमें लग रहा नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े पर्सन के साथ हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी हमने तय की और बीच बीच में बहुत बड़े बड़े रैपिड थे, इतने मतलब ऊँची ऊँची लहरें थी कि पानी हमारे बोट तक में आ रहा था। तो फ्रेंड्स बहुत डर लग रहा था लेकिन एंजॉय भी किया, और हमें पहले से जब पता होता है तो हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, और जब रैपिड ख़त्म हो गए थे तभी हम पानी में एंजॉय किया था हमने, मैंने ही, बाकी तो सब खूब इंटरेस्ट आ रहा था बाकी सबको। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर करूँ, यदि आप समर में राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से फुल इंजॉय कर सकें आप राफ्टिंग। इधर नोट डालो, फोन खराब हो जाएगा। गंगे मैया जय, गंगे मैया बोल, गंगे मैया की जय।